फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 5 नवंबर 2023 से पूरे भारत में स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हां, टाइगर 3 के मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि 5 नवंबर 2023 से टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और वहीं मेकर्स ने ये भी कहा है कि टाइगर 3 का पहला शो इसके रिलीज डेट यानी 12 नवंबर 2023 को सुबह 7 बजे से स्टार्ट किया जाएगा, जहां सलमान खान की ये फिल्म आईमैक्स 4DX बॉक्स ILE PXL और 4D इमोशन जैसे मल्टीपल प्रीमियम फॉर्मेट्स में देखने को मिलेगी। आपको बता दें, टाइगर 3 जसराज की स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं ये फिल्म हमें 12 नवंबर 2023 को हिंदी के साथ तेलुगु और तमिल भाषा में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सलमान खान और उनकी आने वाली फिल्म टाइगर 3 के बारे में? मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, कतार देशभक्त। चियान विक्रम की मच अवेटेड फिल्म थंगलान के टीजर को रिलीज किया गया है। और वहीं बात करें टीजर की तो थंगलान के टीजर में हमें कोई भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलता है, पर बिना डायलॉग के भी ये टीजर ऑडियंस को टीच करने में कामयाब होता है, जहां हमें टीजर में चियान विक्रम के ब्रूटल अवतार के साथ उनके कुछ खतरनाक एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ सुनाई देने वाला जीवी प्रकाश का BGM काफी दमदार लगता है। और जैसा कि इस फिल्म के मेकर्स ने कहा था कि वो थंगलान को ऑस्कर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो थंगलान के टीजर को देखकर लगता है कि मेकर्स का डिसीजन सही है। आपको बता दें, थंगलान एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर पारंजीत ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें चियान विक्रम के साथ मालविका मोहन लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और चियान विक्रम की ये फिल्म हमें 26 जनवरी 2024 को तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। तो आपको थंगलान का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। विक्की कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर से एक अपडेट है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सैम बहादुर का ट्रेलर हमें 7 नवंबर 2023 को देखने को मिलेगा। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि सैम बहादुर के ट्रेलर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। आपको बता दें, सैम बहादुर एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें विक्की कौशल के साथ सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और विक्की कौशल की ये फिल्म हमें 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और 1 दिसंबर 2023 को ही रणवीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल भी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में बताएं। ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर से एक अपडेट है। आपको बता दें, फाइटर की शूटिंग रैप अप हो चुकी है और जल्दी सिद्धार्थ आनंद इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें, फाइटर एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, मेकर्स इस फिल्म को एक बड़े बजट पर शूट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के VFX का काम ऑस्कर विनर कंपनी D-Neck कर रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर में हमें एक अच्छा VFX देखने को मिलेगा। और वहीं ऋतिक रोशन की ये फिल्म हमें 25 जनवरी 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। जूनियर NTR की मच अवेटेड पैन भारत फिल्म देवरा से जानवी कपूर के कैरेक्टर थंगम के एक फोटो को रिलीज किया गया है। आप यहां पर इस फोटो को देख सकते हैं। आपको बता दें, देवरा एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें जूनियर NTR के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और जूनियर NTR की ये फिल्म हमें 5 अप्रैल 2024 को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। शाहरुख खान की इसी साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान 2 नवंबर 2023 से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, नेटफ्लिक्स पर जवान के अनकट वर्जन को रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमें थिएटरिकल वर्जन से 20 से 25 मिनट के ज्यादा एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो क्या आप जवान के अनकट वर्जन को देखेंगे या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।